तो वहीं आपको बता दें कि नूह में हिंदू संगठनों के द्वारा 28 तारीख को निकाली जाने वाली यात्रा को लेकर के पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 28 तारीख को आपको बता दें कि ब्रजमंडल यात्रा निकाले जाने की जो जानकारी सामने आई है उस पर अब प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और इसको लेकर के प्रशासन ने जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू कर दी हैं। इसमें 31 जुलाई को ही हिंसा और 3 और 7 सितंबर तक आपको होने वाली G20 की शेरपा की बैठक को देखते हुए प्रशासन ने आयोजकों को यात्रा की अनुमति देने से इनकार किया है। ऐसे में प्रस्तावित जलाभिषेक यात्रा में भीड़ को जुटने, इसको रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नूह में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा पुलिस ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं यहां पर की हैं। प्रस्तावित जलाभिषेक यात्रा को देखते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती है और एहतियातन आपको बता दें कि नूह में 28 अगस्त रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को भी बंद किया गया है और जिले में होने वाली DLED की परीक्षा को भी इसी सिक्योरिटी रीजन के चलते रद्द कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि नूह में 28 तारीख को निकलने वाली यात्रा को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। हालांकि यात्रा को अनुमति नहीं दी गई है लेकिन सभी आला अधिकारी आपको बता दें कि ग्राउंड पर जाकर के स्थिति का आकलन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें कि IG साउथ रेंज के द्वारा भी स्थिति का आकलन किया गया है, मौके पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा लिया है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में IG राजेंद्र कुमार ने यह बताया है कि प्रशासन की तरफ से शोभा यात्रा की कोई परमिशन नहीं दी गई है। उन्होंने कहा है कि लोगों को आपस में समझा बुझाकर स्थिति को कंट्रोल में करने की भरपूर कोशिश होगी। इसके अलावा जिले में कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। नूह जिले की सीमाओं पर पूरी तरह से चौकसी बढ़ा दी गई है, मल्टीलेयर बैरिकेटिंग की गई है, साथ ही आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग हो रही है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को नूह शहर के अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई परमिशन नहीं दी गई है और हम आपसे जो है समझा बुझाकर सब कुछ कंट्रोल करने की अभी अपने वो प्रयास भी जारी है और इसके अलावा लैंड ऑर्डर के लिए डिप्लॉयमेंट काफ़ी हद तक की जा चुकी है। डिप्लॉयमेंट के फ्रंट पे भी हम अपना बंदोबस्त पूरा करके रखेंगे। अभी बताया आपको फॉर्मली के परमिशन नहीं दी गई है यात्रा की, तो इसलिए जो है हर कोशिश की जाएगी, चाहे समझाने बुझाने पर लैंड ऑर्डर में।